कि ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बीसीसीआई ने ये ठाना है ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप खिलाना है। आप खिलाने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे का तर्क बताइए। मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, अगर अंकित आपको याद हो, कि जो जो पोस्टर आया था आईसीसी की तरफ से, जो पोस्टर आया था उसमें ऋषभ पंत की बहुत बड़ी बड़ी फोटो थी, ब्रांड की तरह एक तरीके से लग रहे थे। नो डाउट ऋषभ पंत इज अ ब्रांड। ऋषभ पंत एक विराट कोहली के बाद, अगर हम वैसे हम ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करें या ब्रांड की बात करें, तो ऋषभ पंत बहुत बड़ा अपने आप में ब्रांड है। और बीसीसीआई ये चाहेगा कि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी अगर इस वर्ल्ड कप में खेलता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि फिटनेस एक बहुत बड़ा, जिसे बोले कि वहां पे केस है कि वो अपनी फिटनेस को प्रूफ कर पाते हैं नहीं कर पाते, लेकिन उसको भी बीसीसीआई टैकल कर रही है। बीसीसीआई ऋषभ पंत को इंग्लैंड भेजना चाहती है और इलाज के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर कर पाए और उसकी झलक आपको आईपीएल में दिखे। और इसके पीछे की वजह भी आप देखिए ना, कि विकेट कीपर को लेके भी हमारे पास वो ऑप्शन दिख नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जब हम ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं तो हम क्यों ना उस खिलाड़ी पे काम करें जिसको लेकर हमने इतना मतलब एक इंडियन क्रिकेट के अंदर एक बड़ा उस तरह से था कि भाई ऋषभ पंत का अग्रेसिव अप्रोच, उनसे बड़ी अग्रेसिव तो किसी को नहीं माना गया। भले देखो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने करा, लेकिन जो उनकी खेलने की शैली है, जो वो खेलने की शैली है, वो T20 फॉर्मेट को सूट करती है। पर उन्होंने जितने T20 खेले उसमें तो सूट नहीं किया, नहीं कर पाई। यही तो दुर्भाग्य इंडियन क्रिकेट का, यही तो इंडियन क्रिकेट का दुर्भाग्य है कि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी जो कि टेस्ट में इतनी भयानक तरीके से तोड़फोड़ मचा सकता है, वो T20 में कैसे अनसक्सेसफुल हो गया। जो कि जब शुरुआत में आए थे आईपीएल में वो अच्छा करते थे, आईपीएल में उनके अच्छे गए थे। बिल्कुल, वही उसी के प्रदर्शन के आधार पे तो आप देखें ना, एक नाम बना, दिल्ली ने उनको बैक किया, प्लस उनको कैप्टनसी दी, श्रेयस अय्यर से ऊपर बैक किया। जहां पे रिटेन करने की बात थी, श्रेयस अय्यर रिटेन नहीं हुए, कप्तानी गई श्रेयस अय्यर की। आपको ऋषभ पंत को देखिए, रिकी पोंटिंग तक भी कहते हैं ना, जो मैच विनर उनका पिछले सीजन में चोटिल थे, लेकिन टीम फ्रेंचाइजी ने कुछ भी नहीं करा। आपको वहां तक की उनकी जो वैल्यू थी, पर्स वैल्यू जो मतलब अमाउंट था, वहां तक भी उनको वो दिया गया कि भाई आप बेशक से हमारे टीम के। भाई देखिए, जाहिर सी बात है, ऋषभ पंत जब शुरुआत में आए थे, जो जिस तरीके से शॉट खेलते थे, लगता था ना ये तो अलग ही खिलाड़ी, अलग ही खिलाड़ी, एक हाथ से छक्के लगाते थे। इवन अंडर 19 में भी जब वो तगड़ा पारी तगड़ी पारियां खेलते थे, ओपनिंग करते थे जबरदस्त पारी। तो वही चीज है, ऋषभ पंत वो सारी क्वालिटी उनके अंदर है जो आप बात कर रहे हैं कि पोस्टर बॉय वाली छवि, सारी क्वालिटी उनके अंदर। T20 में थोड़ा देखा जाना बाकी रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन भी खुल गए ना, ऑप्शन खुल गए। अगर ईशान के साथ लफड़ा है, अगर मान लीजिए जितेश के 30-32 ईशान के साथ लफड़ा है, केएल राहुल के साथ लफड़ा है, कि स्ट्राइक रेट वाला की संजू सैमसन तो बिल्कुल ही लफड़े से बाहर ही हैं, बाहर हो गए हैं। बचे आपके घुमा फिरा के जितेश शर्मा, तो भाई आपको तो एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज तैयार करना पड़ेगा जो भाई वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में हो, वर्ल्ड कप आपका जिता पाए। और सुनील गावस्कर ने बहुत बढ़िया कमेंट किया था कि भाई अगर वो बंदा फिट है ना, तो एक टांग पे खिला खिलाऊंगा। एक टांग पे कैसे खेल लेते हैं? हेलो, मतलब वो एक बात है कि अरे मतलब वो खेलते नहीं है, एक टांग पे वो गिर गिर हाथ से मारते हैं वो तो छक्के। भाई अरे भाई, मैं कह रहा हूँ T20 में अगर जब खिलाड़ी को ये महसूस हो गया कि भाई मैं उस लायक हूँ, अगर ऋषभ पंत ने चीजें बोल दी। में ऋषभ पंत ने 50 मैच खेले हैं दोनों टांग से, लेकिन उन्होंने 50 मैच में दादा मान लिया हमने, कितना है पता है 120 बताइए, 120 का। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो मैंने क्या बात बोली शुरुआत में कि उनके जो खेलने की जो शैली है, तरीका है, वो T20 क्रिकेट को सूट करता है, लेकिन वो T20 क्रिकेट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ कि ठीक है उनके रन्स उस तरीके से नहीं आ तो पाए। कैसे मान सकते हैं कि जब वो उन्होंने इतने हाल फिलहाल में T20 खेला नहीं है, वो वर्ल्ड कप में सीधे आकर अच्छा कर जाएंगे? देखो बिलीफ होता है, ये बिलीफ होता है कि हमें हमने 10 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीता ना, आपके पास तो दो नाम है। मैं कह रहा हूँ हमने जितेश तो अकेले बचे ना, जितेश केएल राहुल जैसे ऐसे तो हम इनके भी कह सकते ना, जाना है तो इनके पे भी जाना है वाली बात है। पंत पे भी अगर पंत भी फिट हो रहे आईपीएल से, तो पंत से तो बेहतर रिकॉर्ड तो केएल के मिल जाएंगे ना भाई T20 में। रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड के कहने के लिए स्टेट्स के नाम पे तो महेंद्र सिंह धोनी के पास कुछ नहीं था T20 में, लेकिन वो नाम कप्तान थे ना, अरे कप्तान थे, लेकिन उस तरीके से भी रिकॉर्ड तो कुछ नहीं है ना मेरी बात तो, लेकिन वही बात है रिकॉर्ड की, तो वही चीज है कि जिस खिलाड़ी की छवि है कि भाई देखिए
वो एक तो उनकी आंकड़े बल्लेबाजी में 50 नहीं थे, हाँ, मतलब लेकिन वो मैच कभी फिनिश कर देते तो थे। और रही बात तो कप्तानी में उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया था, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। हम खिलाड़ी को तैयार क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता रहता है कि इस खिलाड़ी में वो क्षमता है। अगर बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को देखिए, ऋषभ पंत की तो T20 के अलावा भी है ना, कि लोग सवाल ये उठाते हैं जब ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुए थे, पूरी टीम इंडिया हुई थी। नहीं नहीं, अरे भाई 50 मैच खेलने हैं, 50 मैच में क्या सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के मैच थे क्या? ऋषभ पंत ने अगर 50 मैच खेले हैं उसमें सब में फ्लॉप हो गए। अगर उस T20 के फॉर्मेट के अंदर अगर उनके रन आ रहे हैं, जैसे टेस्ट में भी वो अग्रेसिव नेचर दिखा रहे हैं, अगर बीसीसीआई को लगता है कि मैं इस खिलाड़ी पे काम करूंगा तो शायद मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, वो काम कर रही है। बीसीसीआई ने यही सोचा होगा कि अगर हम इन पे काम करते हैं, अगर आईपीएल इनका बढ़िया चला जाता है, बिना फॉर्म के रोहित शर्मा बीसीसीआई रोहित शर्मा को बैक कर सकती है, तो क्या ऋषभ पंत को एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज बैक नहीं कर सकते? अगर ऋषभ पंत को एज ए विकेट कीपर बैकिंग की बात आ रही है, तो उसमें फिर आपके केएल राहुल को क्यों नहीं बैकिंग की बात आ रही है? अरे केएल राहुल को ठीक है, वो थोड़ा मसला थोड़ा सा वो फंस जाता है, ऑप्शन वो खोलना चाह रही है। देखो दो चीजें हैं, केएल राहुल डिफरेंट काइंड ऑफ बैट्समैन है और ऋषभ पंत डिफरेंट काइंड ऑफ बैट्समैन, दोनों ने T20 दोनों का अलग, आप देखिए अलग, दोनों का अलग है, दोनों मतलब फेल है एक तरीके से T20 फेल नहीं, T20 में तो राहुल तो बेहतर है उनसे ना? वही तो बोल रहा हूँ कि दोनों का स्टाइल ऑफ प्ले डिफरेंट है T20 क्रिकेट में, चाहे आप राहुल की बात कर लीजिए, ऋषभ पंत की बात कर लीजिए। मैं वही बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो T20 क्रिकेट में चाहिए होता है ना, वो ऋषभ पंत के पास है, बट वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो हम कैसे समझ लें भाई? अगर जो आपके जैसे संजू में है टैलेंट है ना, संजू में भी थोड़ा मिनट एक्स्ट्रा है, संजू में है, संजू को देख लिया ना भाई, देख ही रहा लगातार, संजू ने कितने मैच खेले, संजू को भी देखे हमने और ऋषभ पंत को भी देखा है। संजू ने T20 आप बैकिंग की बात करो, ऋषभ ने 50 T20 खेली है, पर उसमें है वो कर जाएगा, वो बंदे ने 20 संजू ने 20 भी मैच खेले, 25 अगर देख लो, 25 अगर खेल लिए होंगे हम फॉर्मेट बाहर निकल चुका हूँ, मैं चाहता हूँ खेलना, आप काम कीजिए, आपके पास 5 ऑप्शन दिखेंगे आईपीएल में, आप उसके बाद आपके पास विकल्प होगा कि भाई जो बढ़िया कर रहा है उसके साथ जाओ, लेकिन वहां अगर तैयारी नहीं होते ऋषभ पंत तो आपको तो ऑप्शन ही नहीं मिलता। आप बीसीसीआई चाह रही है कि हम तैयार करते हैं, फिर आप एक साथ 5 का ऑडिशन है भाई आईपीएल में, अगर जिसने बढ़िया किया वो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखो डिसिप्लिन को लेकर ही था इन बातों में, सबसे आगे को नहीं बताया, सिंपल सी बात है, तो ऋषभ पंत वो सॉरी ईशान किशन ही, लेकिन अब ईशान किशन के साथ रियली में क्या चल रहा है वो तो वो और उनके बीच में जो सिलेक्टर्स या बीसीसीआई का जो मसला है वही जानते हैं, लेकिन आप वैसे देखे कागज पे तो ईशान किशन आगे थे। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने उस दिन भी कल बोला था या परसों बोला था, मेरा पता नहीं क्यों दिल ऐसा कह रहा है कि ऋषभ पंत आपके वर्ल्ड कप खेलेंगे, मेरा भी दिल कह रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत भी जो कहते हैं ना कि गिल किंग वाली बात जो है, मतलब दिल के अटैच जो भी है, चाहे फॉर्म है नहीं है, इरिस्पेक्ट ऑफ फॉर्म, मतलब कि फॉर्म हटा दीजिए करते हुए, सब कुछ हटा दीजिए, लेकिन एक होता है ना कि अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है कि ऋषभ पंत आपके वर्ल्ड कप में रहेंगे। भाई मेरा तो दिमाग कह रहा है कि बहुत मुश्किल है कि खेले नहीं हो, देखो दिमाग तो हमारा भी कह रहा है, देखिए मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है कि वो आईपीएल में भी पूरे खेल पाएंगे। अब जो भी है देखो, अब हमारा वर्ल्ड कप है जून में, अभी क्या चल रहा है, 1 जून से अभी जनवरी चल रहा है ना, मई में तो हमारा 26 या 23 को तो फाइनल ही है, 4 महीने हैं अभी आपके पास खेल, देखिए उसके लिए वही है ना कि बाकी आपके और भी खिलाड़ी हैं, उस ड्यूरिंग में हमारे पास टाइम नहीं है कि हमारे खिलाड़ी बैठ के तैयारी करते हैं, वो ये भी नॉन स्टॉप क्रिकेट है, आप देखिए 3 महीने तो यही चलेगा टेस्ट सीरीज, ऐसा क्रिकेटिंग एक्शन था नहीं कि लोगों ने ये मतलब मैनेजमेंट ये सोचे कि नहीं ऋषभ पंत को डाल दो, ये है वो है, इंडिया में आपकी सीरीज चल रही है तो कोई इतना दिक्कत परेशानी है नहीं कि हार का खतरा है या वैसा खतरा है, WTC में फंसने का खतरा है, तो चलो ठीक है। ऋषभ पंत को पूरा टाइम दिया जा रहा है, पूरा मतलब कि भाई जितना टाइम आप ले सकते हो लो, आपको इंग्लैंड जाना है ठीक होने, आप इंग्लैंड जाओ, चोट लगी है उनको, आपको उनको टाइम लेना पड़ेगा उनकी चोट ही ऐसी है, ऐसी चोट लगी है भाई, एक तो गाड़ी पलट जाना यार, मतलब इतना भयंकर एक्सीडेंट, तो वही है ना उनके साथ ये है कि कोई रिस्क नहीं ले रही मैंने, बिल्कुल लेना भी आपको जितना टाइम चाहिए आप लीजिए, क्योंकि यार वो इतने बड़े इंडियन क्रिकेट के खिलाड़ी बन चुके हैं ना, इतने बड़े टेस्ट के इतने बड़े प्लेयर बन चुके हैं ना, भाई उनकी भरपाई करना इस टाइम पर बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, टेस्ट में उन्होंने जो करके दिखा दिया। कल भी उनका एक स्टेटमेंट ऐसे आया था कि जो मैंने गाबा वाला टेस्ट जिताया था, तो रोहित शर्मा ने मेरे से बोला कि तूने पता है क्या किया है, तो उन्होंने बोला भैया क्या किया, एक सीरीज जीता है जो हमने दूसरी बार जीता है, तो उनका कि ये सीरीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, जब तू रिटायरमेंट लेगा ना तब तुझे क्रिकेट छोड़ेगा तब तेरे को पता चलेगा कि क्या तूने कर दिया है, वही चीज है। उस पारी की वजह से अगर आप देखें तो आपको लगता है ऋषभ पंत है तो बड़े मैच के खिलाड़ी, बिल्कुल इस वजह से उनको लगा कलेजा मजबूत वाला, कि मतलब
वो ऐसी बॉलिंग और अपना तरीका जिस तरीके से शॉट खेलूंगा उस लिए बैक किया जाता है। इसीलिए देखिए ये सारी जो निर्भीक वाली जो ये जो सारी क्वालिटियों की हम बात कर रहे हैं, निर्भीक जो सारी चीजें वो बड़े मैच विनर, इसकी तारीफ इसलिए बनते ना, इसीलिए वो 65 मुकाबले खेल गए T20 में। 65 मुकाबले उनके रन ना होने के बावजूद कोई खिलाड़ी 65 मुकाबला खेल जा रहा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर टैलेंट इसलिए बैक किया गया कि आज नहीं कर जाएगा, आज नहीं कर जाएगा, आज कर जाएगा। क्योंकि हुआ क्या, ओडीआई में अच्छा कर गए, फिर T20 में लाए गए खराब कर गए, फिर ओडीआई खेले, फिर वहां अच्छा कर गए, फिर लाए गए, ऐसे होते होते 65 मैच हो गए। भी उन्होंने अच्छा किया, ओडीआई में अच्छा किया, इंग्लैंड में सीरीज जिताई उन्होंने, फाइनल में 100 मारा था जहां पे उन्होंने तगड़ा मतलब ओडीआई हार्दिक पांड्या के साथ वहां पर खेला था, ओडीआई में उन्होंने बढ़िया करा है। बट T20 में अभी भी उनको प्रूव करना बाकी है। वही है ना कि आप देखिए अब दोबारा उनको मौका कैसे मिले, ये टैलेंट ये कि आपको प्रूव करने के लिए 65 मुकाबले मिल गए, बिल्कुल कोई भाई नहीं, कोई जिंदगी भर में नहीं खेल पाता 65 मुकाबले। लेकिन होता है ना कि जब आप टेस्ट में आपने प्रूव कर दिया अपने आप को कि भाई मेरे से बड़ा कोई नहीं है, आपने ओडीआई में प्रूव कर दिया कि मैं बाहर जाके सीरीज भी जिता सकता हूँ, आपको T20 रह गया, एक बार हो गया आपका, दोबारा से अगर कमबैक होता है तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत उसको फॉर्मूले को क्रैक कर लेंगे कि कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप देखिए अगर मान लीजिए उन पर भरोसा दिखाया जा रहा है ना, 65 मैं बार बार वही कहूंगा भाई 65 मुकाबले किसी को खिलवा रहे हो तो जाहिर करियर होता है लोगों जाहिर सी बात है भरोसा दिखा रहे हो। T20 65 तो केएल राहुल के नहीं हुए होंगे, करियर होता है 65 मुकाबले 65 तो केएल राहुल के नहीं हुए होंगे भी। हाँ लेकिन वो खेल गए अच्छे किए भी